गुड इवनिंग दोस्तों, अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं। थोड़ा देर पहले जो है सो के उठा। आज हम लोगों का जो है एक चिकन पार्टी का प्रोग्राम रखा है यहाँ सामने। ये जो सोदी ट्रक का देख सकते हैं, ये पीछे वहाँ एक दो रूम है। एक रूम में हम लोग हर बुधवार को करते हैं चिकन पार्टी, लेकिन अभी तो एक महीना से हुआ नहीं है क्योंकि मेरा भी तबीयत ख़राब था। और इधर भी हम लोग का टोला में आदमी मेरा था, इसलिए छुट्टी के कारण अभी 20-22 दिन से जो है अभी कुछ हुआ नहीं है। तो आज देखते हैं, पार्टी करते हैं, पार्टी में क्या होता क्या नहीं, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ी देर बाद। अभी तो बहुत कुछ सामान लाना है वगैरह, ये सब चलिए आगे लेके चलते हैं। देख सकते हैं दुर्दशा हम लोगों का, पत्ता देखे भी आग जलाएगा, गैस खत्म हो गया है। ये है हम लोगों का दुर्दशा। आज 25 दिन बाद मुर्गा में बैठे हैं और इस तरह का दुर्दशा देखिए। बंगला में बोलते हैं ललाट, ललाट नहीं ललाट। देखिए जुगाड़, ये देसी जुगाड़ है। ये देखिए गैस बंद हो गया अपने आप, कितना दिन चलेगा भीख मांग के। देखिए ये हम लोग का छोटा सा एक रूम है। गरीब का कुठिया नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। इस तरह का ही घर में हम लोग करते हैं ज़्यादातर मुर्गा, हर बुधवार को लगभग होता ही है। लेकिन मेरा तबीयत ख़राब रहने के चलते और यहाँ पर हम लोग का कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था, मतलब आदमी मरा था, तो उसमें जो 11 दिन का जो पालन होता है, छुट्टी जिसको हम लोग कहते हैं, इसके चलते मतलब 20-25 दिन से कुछ नहीं हुआ था। हमको लगा था कि बीच में हुआ था, लेकिन अभी पता चला, हाल फिलहाल में पता चला कि नहीं हुआ था ये लोगों का कुछ भी। और 20-25 दिन बाद जो हम लोग का है, ये मुर्गा में हम लोग बैठे हैं, उसमें भी दो मेंबर जो है वो कम हो गया है। एक भोला मतलब गौरव और जगन्नाथ, जगन्नाथ जो मेरा वो मॉर्निंग वाला साथी था, इसको ब्लॉग में आप लोग देखते ही है। बिल्ली आने जाने का रास्ता है इधर, क्योंकि मुर्गा कभी हम लोग पहले ला के यहाँ पर रख देते हैं, तो बिल्ली का आने जाने का जो स्रोत है ये हो गया। लेकिन उस तरह का अभी तक तो कुछ घटना नहीं घटा है। ये हो गया हम लोगों का मास्टर साहब का फार्म हाउस। हाँ, कोचिंग सेंटर भी है। क्या नाम है कोचिंग सेंटर का? आदर्श कोचिंग सेंटर। ये हो गया आदर्श कोचिंग सेंटर। चलिए हल्का दूधिया रोशनी में आप लोगों को दिखाते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ नाम या एडवर्टाइज नहीं लगाया गया है। खैर जो भी है, यहाँ पर स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं और सुदीप सर जो है यहाँ पर पढ़ाते हैं। इंग्लिश का टीचर है, बहुत ही नामी गामी टीचर है। उनका पहले एक ब्लॉग में हम जिक्र भी किए थे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए होंगे। ये कौन सा पेड़ है पता नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमको तो खुद पता नहीं है। और ये वाला यहाँ पर एक कुआं भी है जिसका पानी ना के बराबर यूज़ होता है, कभी भी नहीं होता है, क्योंकि पानी ही नहीं रहता तो यूज़ कहाँ से होगा। बाहर का नज़ारा थोड़ा दिखा देते हैं। ये हो गया काली मंदिर, देख सकते हो आप। अब पहचान में आ गया आप लोगों का कि कहाँ पर है ये फार्म हाउस। वो हो गया मेरा घर।
देखिए मास्टर साहब आ रहा है गाना गाते गाते, मास्टर साहब को दिखाते हैं। ये हो गया आदर्श कोचिंग सेंटर का जाने माने टीचर, संस्थापक जो अभी मेन टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, पढ़ाते हैं। ये पहला ब्लॉग में जिक्र किए थे, बस यही है, ये भी हम लोग का मेंबर ही है। तो आज का जो हुआ है समस्या, हम लोग उसके बारे में कुछ बताएंगे आप। समस्या ये हुआ कि हम लोग का बहुत दिन से समस्या क्या हुआ ही आपको पता है पहले? हाँ, समस्या ये हुआ, क्या हुआ बोलिए तो, कि गैस खत्म हो गई। गैस खत्म? हाँ। चलिए पता तो है आपको, आई थिंक बिल्कुल 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 गैस खत्म। चलिए अभी उसका कुछ निदान करवाइए। निदान? जल नहीं रहा है लकड़ी सब, कहाँ जल रहा है लकड़ी सब? किरासिन तेल का भी कम से कम व्यवस्था कीजिए। किरासिन तेल कहाँ पाएंगे बोलिए? किरासिन तेल नहीं है घर में? नहीं, किरासिन तेल लेता ही नहीं है पुआ से, हमारे जो डीलर साहब वो उससे लेते ही नहीं है, क्योंकि किरासिन तेल और एक्चुअली सरसों का तेल का भी इतना रेट बढ़ गया है। किरासिन तेल का कहाँ रेट बढ़ा? किरासिन तेल का भी रेट बढ़ गया है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। ये मोदी जी खत्म कर दिए देश को। नहीं ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते आप, ये ब्लॉग है, मतलब पर्सनल ब्लॉग है, इसमें आप किसी राजनेता को नहीं घुसा सकते हैं। घुसा यदि सकते हैं तो उसके मतलब ख़राब नहीं बोल सकते उसके विषय में। हम ये नहीं बोलेंगे कि मोदी जी रेट बढ़ा दिए या फिर राहुल गांधी जी रेट बढ़ा दिए। चलिए वो सब राजनीति वाला बात है, वो सब ब्लॉग में नहीं घुसड़िए। एक तो आप टीचर है, टीचर अपना प्रोफेशन के बारे में बोल सकते हैं, उसके उसके लिए दिक्कत नहीं। क्या पुलिस गाड़ी है क्या? भागो जल्दी, मास्क नहीं पहना है। भागो जल्दी, एक्चुअली वो जो भी है कहाँ रिस्क लेगा बाबू। बंद करो दरवाजे। जला है, देख सकते हैं आप लोग। ये हो गया आग। देख सकते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट में, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, चुपचाप बैठा हुआ था। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। नहीं स्मेल तो ब्लॉग में कोई मतलब महसूस नहीं कर सकेगा, जितना दिखा सकता है उतना ही दिखा या फिर बोल सकता है तो बोलो। एक नया लड़का का एंट्री हुआ है। खेपा का ही बोलता तुम? अरे देखिए ये जब तक नहीं रहेगा तब तक जो है दल भारी नहीं होगा, और रौनक जो है रौनक नहीं आता है हम लोग। आपका क्या प्रॉब्लम हुआ? तुम्हारा क्या प्रॉब्लम हुआ? इधर बोलो, कुछ तो दिक्कत है तुम? बहुत दिन बाद पाया है, बहुत दिन बाद मिला है उसको, तो उसका थोड़ा सा अच्छा। इसका जीप में घाव हुआ है, नहीं नहीं अपने दांतों से जीप को जो है काट लिया है गौरव कुमार आचार्य ने। अब दांत को इसको घिसाना पड़ेगा, बोल रहा है कि दांत में धार हो गया है दांत। तो ब्लॉक तो झड़बो ही भाई, बात कोनो दूर मत ले। इस साइकिल के टायर के साथ में तुम क्या कर रहा है? ताश लेके आ गया है गौरव जी। आस्तर आस्तर, और ऊपर से मुर्गा बना रहा है। आपका मुंह में क्या हुआ है वो पहले बोलिए। मुंह में कुछ नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे काहे बोल रहे? काट लिए है जीभ को। अच्छा, इसका दांत बहुत धार हो गया है, दांत को घिसाना पड़ेगा, जीप काट लिया। इसीलिए आज हम लोग का जो मुर्गा पार्टी हो रहा है उसमें गौरव जी नहीं है। हाँ। मतलब है अभी लेकिन खाएगा नहीं, खाएंगे नहीं, क्योंकि बोल रहा है कि झाल वगैरह जो है तीखा जिसको हम लोग कहते हैं वो गौरव सहन नहीं कर पा रहा है। अभी ताश सहन कर लेगा, देखिए हाथ में ताश है। तो चलिए बढ़िया बढ़िया बात है, जब तक ये नहीं रहेगा हम लोग का टीम में तब तक टीम का जो है मनोबल नहीं बढ़ता है। उम्र 18 से 44 वर्ष, तो बस यही हुआ वाले कोरोना वैक्सीन जिला में उपलब्ध नहीं होने के कारण सर कुछ नया पैतरा लेके आया हुआ था उसे निरस्त कर दिया गया है। अच्छा अच्छा, उम्र 18 से 44 वर्ष वाले आगामी कल दिनांक 20/5 को शेष बचे कोरोना वैक्सीन का 50 लोगों का संतर मनाया गया है।
अच्छा जिन्हें वैक्सीन लगवाना वो पुनः अपना ऑनलाइन रजिस्टर करें। आपने वैक्सीन लगवाया कहाँ? कुछ दिन बाद लगवाई। क्या दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत कुछ नहीं है तो देखिए आप लोग इतना ज्ञानी होकर यदि आप लोग वैक्सीन नहीं लगवाइएगा तो लगाएंगे इतना जल्दी क्या लगवाएंगे? आप तो कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि नहीं लगवाएंगे हम वैक्सीन किसी भी हालत में। जल्दी क्या है, जल्दी और देरी में क्या है, तुरंत लगवा लो। मैन सेप जो है अभी तास डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। देखिए मास्टर साहब काम कर रहा है, ये सात अजुआ में आठवा अजुआ जोड़। ये हम लोग का खेला चालू है, अभी खत्म हो जाएगा क्योंकि मीट तो बन गया, बैठेंगे। घर से लाया हुआ है, यही फंडा है इधर का, घर से रोटी रोटी लाएगा सर। देखिए मेहमान जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपका क्या हुआ है जी? आपका वॉइस इस तरह का कहाँ यार? कारें बुझ जा रही हैं। वो जिससे भूख लगा है? मैं रेप पीछे देखा? नहीं जीवन में प्रथम बार। मालूम नहीं है? जीवन में पहली बार आपको लेग पीस यहाँ पर मिला है। तो झोल दे आपको। झोल दे मेरे को। ये है मेरा, ये है अपू का, ये संदीप का, इसको नहीं दिया है, पैसा नहीं दिया है। मना करेंगे ना? अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम पैसा बाद में दे देना। क्या दिक्कत है? 50 रुपया तुम बाद में दे देना। तुम लो, मुझे खबर नहीं। नहीं तुम 50 रुपया लो तो इसको दो, 50 रुपया दो इसको। तुम लो भाई 50 रुपया इसको दो और मुर्गा भी दो 5 पीस। सर का रोटी मसाला नहीं, मसाला मत। चलिए बैठते हैं। कलर देखिए, मजा लीजिए। जो तो सामने नहीं है कलर टारो खराब है तो फालतू कैमरा रही है। मैंने ये है खिलाड़ी 786। देखिए खिलाड़ी अभी खा रहा है, 7-8 रोटी लोग मारेगा। इसको नशा ही नहीं लगता है कि मुख्य रहो आज आपको पापा रही। पूरा और चल चल। ऐ देखिए मास्टर साहब उधर बैठा है, आदर्श कोचिंग सेंटर का प्रोप्राइटर ना, क्या नाम, क्या कहते हैं उसको जी? डायरेक्टर। अच्छा अच्छा डायरेक्टर। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में तो हम बार हर वीडियो में बोलेंगे क्योंकि 100% में से 60% अभी तक मेरा वीडियो जो है वो देखते ही है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और 40% सब्सक्राइब करके रखा है, तो 60% जो भी है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, वो सब लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। सब्सक्राइब करके यदि रखिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके यदि रखिएगा तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लीजिए, उसमें आपको कोई हर्जा नहीं है। और मेरा हर एक वीडियो को प्लीज़ फुल देखने का कोशिश करें, पहले से लेकर अंत तक देखने का कोशिश कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं भी लगे तो चालू करके वीडियो को साइड पर रख दीजिएगा, ये तो कोई बोलता नहीं है लेकिन हम बोल दिए, लेकिन अच्छा लगेगा ही, ऐसा बात नहीं कि अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फुल देखिएगा तभी आप लोगों को अच्छा लगेगा और मेरा भी बेनिफिट है उसमें। ये क्या बेनिफिट है ये बाद में बताएंगे आप लोगों को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हर एक वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, फुल वॉच।